बीजेपी नेता चिन्मय आनंद पर लगे रेप के आरोपों पर कांग्रेस का कहना है कि बड़े से बड़ा पाप करने वाला आदमी अगर भाजपा की छत्र छाया में है तो उस पाप को पुण्य माना जाता है। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि अगर चिन्मय आनंद बीजेपी के नेता नहीं होते तो सलाखों के पीछे होते। प्रमोद तिवारी से बात की हमारे सहयोगी अजय झा ने। अगर वो भाजपा के पूर्व मंत्री न होते, नेता नहीं होते, तो अब तक सलाखों के पीछे होते, पर भाजपा में हैं। भाजपा में भी चाहे कोई जितना बड़ा सा बड़ा पाप करे, पर अगर वो भाजपा का भगवा ओढ़ ले, झंडा ओढ़ ले, सदस्यता ग्रहण कर ले, तो उसका सारा पाप समाप्त हो जाता है। कांग्रेस क्या मांग करेगी? क्या योगी सरकार से कोई उम्मीद करे कि न्याय मिल सकता है? इस संदर्भ में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, जो भारत का कानून है, सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश, उसका अनुपालन हो, जो आरोप लगाए गए हैं उस आरोप की सत्यता और उसके बयान जो नए कानून के हिसाब से, वो पर्याप्त है कि इस पर तत्काल कार्रवाई हो। धन्यवाद। तो साफ तौर से प्रमोद तिवारी जी का कहना है कि आरोप जिस तरह के हैं वो काफ़ी गंभीर है और सुप्रीम कोर्ट की जैसा दिशा निर्देश है उस हिसाब से इस पूरे मामले में निष्पक्षता से कार्रवाई हो और पीड़िता को इंसाफ मिले। कैमरामैन रफीक के साथ अजय झा, गो न्यूज़ दिल्ली।